सिमुलेशन 2024 कौमी असेंबली का है। एन ने 8 बाजोड़ का मुकम्मल रिजल्ट तमाम उम्मीदवारों के वोटों की तफसील के साथ। यहां से कामयाब करार पाए आजाद उम्मीदवार मुबारक रेब खान, इन्होंने हासिल किए 74,008 वोट। जबकि दूसरे नंबर पे आए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के गुल जफर खान, इन्होंने हासिल किए 47,282 वोट। आजाद उम्मीदवार शौकतुल्ला खान ने हासिल किए 20,020 वोट। जमात इस्लामी के साहबजादा हारून और रशीद ने हासिल किए 18,412 वोट। अवामी नेशनल पार्टी के खान जेब ने हासिल किए 12,015 वोट। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के शहाबुद्दीन खान ने हासिल किए 6,469 वोट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद अखंडजादा चट्टान ने हासिल किए 4,060 वोट। जनरल इलेक्शन 2024 में इस हलका से उम्मीदवार रिहान जेब की शहादत की वजह से इलेक्शन मनसूख हो गए थे, लिहाजा इस हलका में ज़िमनी इलेक्शन हुआ और इस ज़िमनी इलेक्शन के नतीजे में शहीद रिहान जेब के भाई मुबारक जेब खान रुकने कौमी असेंबली मुंतखब हो गए हैं।